ज ए स्टेट विच इज बिकमिंग अ हब फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन इनका जो टारगेट है राजस्थान का तीस हजार मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी और पिचहत्तर मेगावाट ऑफ़ विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोड्यूस करने का है एंड बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव राजस्थान विल बी वेरी सेफली इसी कॉन्टेक्सट में राजस्थान के बारे में आप समझिए कि वहां पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट लगाया गया है जिसका नाम है भाडला सोलर पार्क दो हजार बीस में सत्तावन सौ हेक्टेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान जब ये फुल कैपेसिटी पे ऑपरेशनल हुआ दार्क बिकेम दुली कमीशन पीवी पीवी अर्थात फोटोवल्टेक जो सोलर सेल्स को कहा जाता है फोटोवेल्टेक प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड और इस समय दो हजार दो सो मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे ध्यान रखिए आपको हेल्प मिलेगी दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ भाडला सोलर पार्क पार्क ये ये भाडला सोलर का ही फोटो है यहां पे देखिए सैटेलाइट मैप दिखाई दे रहा है चौदह हजार एकड़ के एरिया में ये फैला हुआ है सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग क्यों क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो कि सेफ है जो कि नॉन पोल्यूटिंग है जैसे कि सोलर एनर्जी उनकी तरफ ट्रांसफर करना भी है हाउ एवर दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम एक टेंजेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉर द कैमल्स ऑफ द राजस्थान सोलर कंपनीज जैसलमेर में दे आर लेइंग ए डेथ ट्रैप फॉर कैमल्स जिस कैमल विच इज बेसिकली स्टेट एनिमल ऑफ द राजस्थान दो आप इमेजिन करेंगे दो हजार चौदह में दिया गया था यह बात को ध्यान रखिएगा उससे पहले नहीं था फॉर नाउ कैमल इज दिनिमल ऑफ द राजस्थान अब जो ये सोलर सर्ज हो रहा है सोलर पावर का सर्ज हो रहा है सोलर पावर की डेवलपमेंट हो रही है राजस्थान में इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर दी कैमल्स रिसेंटली पिछले एक दो दिन पहले सैटरडे को वन कैमल ब्लेड टू दी डेथ वॉज कट बाई दार्प एज एंग सोलर पैनल यूजली अगर आपने नोटिस किया होगा जब भी आप सोलर पैनल को देखते हैं वो हमेशा ना एक एंगल पर रहते हैं राइट right? क्योंकि वो स्पेसिफिकली कोशिश की जाती है कि जब उनके पास जब सनरेज उसके ऊपर पड़े तो हमेशा नाइनटी डिग्री एंगल पर पड़े उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ज्यादा एनर्जी कैप्चर होती है सो दे आर एक्चुअली तो जो ये एंगल्स इंस्टॉल हो रहे हैं सोलर प्लांट्स के यूजुअली कैमल्स इनमें फंस जाते हैं वो कहीं पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं चरने के लिए जा रहे हैं गेट ट्रैप्ड इनटू इट एंड दिस इंसिडेंट विच वी आर डिस्कसिंग उसी प्रकार से एक कैमल इन्हीं एंगल्स में जो सोलर पैनल को लगाने के लिए जो एंगल्स लगाए जाते हैं उसमें फंस के उसकी डेथ हो गई ये स्पेसिफिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए सन का जो एंगल है सन में अलग अलग रहता है ओवर द पीरियड ऑफ पूरे के पूरे ईयर में तो उस एंगल को बदल दिया जाता है ताकि सन रेज नाइनटी डिग्री एंगल पे पड़े द जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंगल होगा सन रेज का उतनी ज्यादा हीट कैप्चर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी कैप्चर होगी ये स्पेसिफिकली जो इवेंट हुआ था ये रीजन हुआ याद रखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना भाडला जो सोलर पावर प्लांट है दैट इज रिलेटेड दैट इज लोकेटेड इन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर राजस्थान में राइट दोनों के दोनों नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है कैमल की जो ये हुई है ये में हुई है। All that area जो पूरा जैसे कि सवता भोपा लाला कार्दा इनकेस आप मैप में देखें इफ यू फाइंड जैसलमेर जैसलमेर से इधर आएंगे ये भोपा सानवता लाला जो इस बीते सैटरडे को जिस कैमल की मृत्यु हुई है वो लाला गांव में एक सोलर प्लांट जहां पर लगा हुआ है उसकी

अब जो ये, ये सीजन है यहां पर एनिमल्स को यूजुअली छोड़ दिया जाता है ग्रेज करने के लिए वो एनिमल्स अपने आप कहीं पर चारा चरते रहते हैं खुले में एंड दीज इंक्रीज कैमल्स स्पेसिफिकली विच सर्वाइव इन दी हार्शेस्ट ऑफ द कंडीशन एंड दी दरिंग टेम्परेचर ये तो हमें मालूम है हमें पता ही है कि जो ऊंट होता है कैमल होता है उसकी क्या खासियत होती है अब उसको प्रॉब्लम आ रही है इन डीड फॉर जो भी कोई पेड़ वेड़ भी लगे होते हैं एक तो, तो डेजर्ट में पेड़ दिखता नहीं है और जो पेड़ लगे होते हैं उनको भी है। तो ट्रीज जैसे कि कुमु खेजरी रोहिडा कैर जल बोर्डी ये ऐसे पेड़ है यूल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इसका नाम है खेजरी ये रोहिडा है एंड दिस इज बोर्डी ये जो कुछ पेड़ है इसको बस आइडेंटिफाई करके रखे कि दीज आर द ट्रीज विच आर फाउंड इन द डेजर्ट मतलब यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पेड़ों की नसल बता देगा पेड़ों की स्पीशीज का नाम बता देगा दे, मैं टास्क ये कहां पर एंडमिक है अब जो सोलर पावर कंपनीज हैं दे आर डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी ऑफ द डेजर्ट रीजन कि किसी प्रकार के भी जो पेड़ हैं दे आर डिस क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं प्लांट लगाने के लिए उनको काट देती है उनको एक्चुअली में एक फ्लैट प्लेन एरिया चाहिए होता है तो जो कि जो भी डेजर्ट फॉरेस्ट एरिया होता है उसको वो यूज करने की कोशिश कर रही है अब जैसे जैसे सोलर पैनल्स लगते जा रहे हैं इसकी वजह से इट माइट एक्चुअली लीड टू एक्सटिंक्शन एनिमल ऑफ सेवरल एनिमल्स बर्ड्स एंड ट्रीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ का जो क्लैश होता है ये ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है राइट नाउ दैट इज एक अच्छा एम है रेन्यूबल एनर्जी को प्रोमोट करना रेन्यूबल एनर्जी को और ज्यादा सपोर्ट देना हवेवर उसके साथ साथ गवर्नमेंट्स स्पेसिफिकली इन दिस राजस्थान गवर्नमेंट विल ऑल्सो है बेसिकली साइमल्टेनियसली जो वहाँ की इको लॉजिकल वाइल्ड लाइफ जो है वहां के जो डोमेस्टिक लाइफ एनिमल लाइफ जो है उसको कैसे इन दोनों चीजों से इन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ पैरलि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एक बात में और इसके साथ साथ प्रिलिम्स में आप इसके बारे में ध्यान जिनके खुर होते हैं ठीक है खुर इवन टोड का मतलब जैसे कि टोटल खुर होते हैं पांच जैसे आपके हाथ में पांच उंगली है राइट वन टू थ्री फोर फाइव उसी तरीके से जो खुर होते हैं वो भी टोटल पांच है ये उनके फिंगर से ही बने हुए हैं तो जो जानवर इवन यानी कि थर्ड और फोर्थ दो खुरों के ऊपर अपना पूरा का पूरा वेट सपोर्ट करते हैं उनको कहा जाता है इवन टोड एंगुलेट इसके अलावा जो ऑड होते हैं यानी कि जो एक या तीन खुरों के ऊपर अपना पूरा का पूरा वेट संभाल के रखते हैं वेट करके रखते हैं अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे हॉर्स होता है जेबरा जो होता है उनको वो होते हैं ऑड टोड अगर आप देखेंगे तो हॉर्स का सिर्फ एक ही खुर होता है राइट बाकी सारे के सारे वेस्टिजल हो चुके हैं कैमल जो बेसिकली होता है थर्ड या, तीसरा और चौथा जो इनका खोर होता है और बाकी तीन वेस्टिजल हो जाते हैं कैमल्स पिग्स कैटल्स ये सबके सब इवन टोट अंगुलेट है ये बात ध्यान रखिए कि हम अच्छा दिस इज नथिंग न्यू हम कैमल को पहचानते ही उसके हम की तरफ से हैं कैमल्स आर वर्किंग एनिमल्स और बहुत डेजर्ट हैबिटेट के लिए रहते हैं एक इंफॉर्मेशन आपको इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ के लिए जो जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आर टोटल सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ दी कैमल ओके पूरे दे, पूरे विश्व में तीन स्पीशीज हैं हैं कैमल की जो कि आप इस समय फोटो में देख रहे द वन हम्ड मेक्स अप ऑफ द वर्ल्ड कैमल पॉपुलेशन ये जो है इसको अरेबियन कैमल भी कहा जाता है एंड द वन हम्ड कैमल नाइनटी तो भारत के अंदर सारे के सारे यही कैमल पाए जाते हैं मोरोल

अब जो डेवलपमेंट के साथ और वाइल्ड लाइफ के साथ ये जो क्लैश है मैन मैन वर्सेस वाइल्ड का जो ये क्लैश होता रहता है इसके ऊपर यूपीएससी रेगुलर क्वेश्चन पूछता रहता है इस पर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करेंगे कि कैसे सोलर पावर के जो प्लान्स चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उससे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कैमल्स हैं उनको भी बेसिकली कैमल इज नॉट वाइल्ड लाइफ याद रखिएगा कि जो हमारा वन हम्ड कैमल है पिछले 2000 साल से कभी भी वाइल्ड में नहीं पाया गया वंस इट वाज डोमेस्टिकेटेड उसके बाद से पिछले 2000 साल में सिर्फ डोमेस्टिक जगह पर ही पाए जाते हैं जो clash है, man का, इसके साथ ह्यूमैनिटी क्या कर सकती है हाउ टू टेक स्टेप्स कि ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट है, है उनको रोका जा सके सो यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल वेन एवर दिज एनवाइ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है इनकेस यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू शुड ज्वाइन जहां पर इस क्लास को मैं पीडीएफ आपके साथ और आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास